हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स एंड में। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हमें इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है। तो जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म तो वही हो जाएगी, ए वन तो वही हो जाएगी। अब हमें आगे की तीन टर्म्स और बतानी है, ठीक है। तो जो ए टू होगा वो क्या होगा, ए वन प्लस डी। तो ए वन कितना है, 10 प्लस 10 20। ऐसे ही जब ए थ्री होगा तो क्या होगा, जो इससे प्रीवियस टर्म है ए टू उसमें हम डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 20 प्लस 10 30। ऐसे ही ए फोर हो जाएगा, ए थ्री प्लस डी, 30 प्लस 10 40। तो आपकी सीरीज क्या बन गई फोर टर्म्स की, 10 20 30 40। ऐसे आप आगे भी लिख सकते हैं 50 अगर आपसे पूछा गया है तो। अब सेकंड पार्ट है, इसमें भी जो ए वन है वो तो माइनस टू ही हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म है। ए टू क्या होगा, ए वन प्लस डी माइनस टू, प्लस डी तो जीरो ही है तो माइनस टू आ जाएगा। ए थ्री क्या होगा, ए टू प्लस डी माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू। आप इसको देखिए, ये आप कैलकुलेशन अपने माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो आपको ये पूरा करके दिखाना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ए थ्री प्लस डी माइनस टू प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस टू। तो जो सीरीज बन गई वो गई माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, और ये पूरी सीरीज आपकी एपी में है। अब थर्ड पार्ट है, ए इक्वल टू फोर एंड डी इक्वल टू माइनस थ्री। तो ए वन तो ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ए टू हो जाएगी ए वन प्लस डी, फोर माइनस थ्री वन। अब ए थ्री हो जाएगी आपकी ए टू प्लस डी, ए टू तो वन है और जो डी है वो माइनस का है, माइनस थ्री। तो ये क्या आ गया आपका, वन माइनस थ्री माइनस का टू। और ए फोर क्या हो जाएगा, ए थ्री प्लस डी। अब ए थ्री कितनी है, माइनस टू माइनस थ्री, यानी कि माइनस फाइव। तो आपने देखा कि जो आपकी सीरीज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी जा सकती है। ये हो गई फोर वन माइनस टू एंड माइनस फाइव। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट गिवन है हमें, ए इक्वल टू माइनस वन एंड डी इक्वल टू वन बाय टू। तो अगेन जो फर्स्ट टर्म है वो तो यही रहेगी माइनस वन, ए टू हो जाएगा ए वन प्लस डी, माइनस वन प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू। ए थ्री हो जाएगा ए टू प्लस डी, तो ए टू कितना है, माइनस वन बाय टू, और डी कितना है, प्लस वन बाय टू, तो ये जीरो हो गया। ए फोर हो जाएगा ए थ्री प्लस डी। तो जो नेक्स्ट टर्म निकालनी है उससे प्रीवियस वाली टर्म में अगर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, जीरो प्लस वन बाय टू वन बाय टू। तो ये आपके आगे चार टर्म्स आ गए, माइनस वन माइनस वन बाय टू जीरो एंड वन बाय टू, ये चार टर्म्स हैं। अब फिफ्थ पार्ट है इसमें, ए इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव एंड डी इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव। तो ए वन हो गया आपका माइनस वन पॉइंट टू फाइव, ए टू हो जाएगा ए वन प्लस डी, माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस ऑफ माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव। तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस वन पॉइंट टू फाइव माइनस पॉइंट टू फाइव, ये हो गया माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो। अब आप ए थ्री देखिए, वो होगा ए टू प्लस डी, ए टू है आपका माइनस वन पॉइंट फाइव और डी माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव। ऐसे ही अगर आप ए फोर निकालेंगे तो वो जो ए थ्री है उसमें आप डी को ऐड कर देंगे, तो माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव माइनस पॉइंट टू फाइव इक्वल टू माइनस टू। तो ये आपकी सीरीज बन गई, माइनस वन पॉइंट टू फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव एंड माइनस टू।
तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने देखा बस ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी है, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए तो आप कोई भी सीरीज बता सकते हैं। और बेसिकली ये एक्सरसाइज इसलिए ताकि आपको पता चले, सीरीज को पहचानना है कि कौन सी सीरीज एपी में है और कौन सी सीरीज नहीं है, तो इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें ये एपी गिवन है, हमें इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो यही होगी जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है वन, ए वन कितना है थ्री, माइनस करेंगे तो माइनस का टू, तो डी आ गया माइनस टू। सेकेंड पार्ट कीजिए आप इसका, माइनस फाइव माइनस वन थ्री सेवन, ये ए पी गिवन है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो माइनस फाइव है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, ए टू माइनस ए वन, माइनस वन माइनस ऑफ माइनस फाइव, माइनस वन प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर। बस इन दोनों टर्म्स को, किसी भी दो टर्म्स को आप माइनस कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को माइनस करें तो ज़्यादा बेटर है। थर्ड पार्ट है, वन बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, नाइन बाई थ्री, थर्टीन बाई थ्री। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है वन बाई थ्री, और कॉमन डिफरेंस है ए टू माइनस ए वन। फाइव बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू बाई फोर बाई थ्री। अब फोर्थ पार्ट, जीरो पॉइंट सिक्स, वन पॉइंट सेवन, टू पॉइंट एट एंड थ्री पॉइंट नाइन। तो जो ए होगा वो जीरो पॉइंट सिक्स होगा, और जो डी होगा वो होगा ए टू माइनस ए वन। 1.6 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। तो आपने देखा ये दोनों क्वेश्चंस कितने इजी थे, बस सेम क्वेश्चन थे, थोड़ा सा अलग अलग करके घुमा फिरा के पूछा गया था, लेकिन जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के आगे पीछे ही घूम रहा था। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप इन क्वेश्चंस को देखें समझें और प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।